झारखंड की नवनिर्वाचित मांडर विधानसभा से विधायक शिल्पी नेहा तिर्की हमारे साथ मौजूद हैं। आज मानसून सत्र के दौरान पहली बार इन्होंने सवाल उठाया सदन में, झारखंड की भाषाओं को लेकर के आपने सवाल उठाया, शिक्षक बहाली को लेकर, कैसा अनुभव रहा? देखिए, अच्छी अनुभव था। साथ ही साथ जो बिल्कुल प्लस टू में जो है वहाँ पे हमारी झारखंडी भाषाओं को आज तक, झारखंड बनने के बाद 22 वर्ष हो रहे हैं, आज तक कोई नियुक्ति नहीं हुआ है, जबकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए नियुक्ति हो रही है। ऐसे हाल में बच्चे अगर रीजनल लैंग्वेजेस, खासकर कि गांव में जो रीजनल लैंग्वेजेस नहीं सीखेंगे, तो जो जो आपके जॉब्स अब आ रहे हैं जिसमें रीजनल लैंग्वेजेस इतने कंपल्सरी है, उसको कैसे फेस कर पाएंगे? तो ये बड़ी समस्या है, इसीलिए इसको मैंने रखा। आज सदन की कार्रवाई आपने देखा होगा, पहली बार का अनुभव है आपको, चार विधायक जो हैं विपक्ष के निलंबित होते हैं, दो का मार्शल आउट होता है, इससे क्या मैसेज जाता है, आपको कैसा अनुभव रहा ये देखकर? देखिए, बहुत गलत मैसेजेस जाता है। कुछ महीनों पहले मैं भी एक आम नागरिक थी, बाहर से ये सब चीज़ों को देखती थी और मुझे बस यही लगता था कि देश का, जनता का इतना भरोसा इन गिने चुने लोगों के ऊपर होता है और आज इस तरह का ये व्यवहार करते हैं, तो बिल्कुल बहुत अफसोस होता है। सदन का मेंबर होते हुए भी अफसोस होता है, एक आम, मतलब जो आम नागरिक जो बाहर से देखते होंगे उनका जो निराशा है उसको भी मैं समझ सकती हूँ। आज कई युवा स्कूल कॉलेज के छात्र आए थे देखने के लिए, जब हमने उनसे बातचीत की तो राजनीति के प्रति उनका नज़रिया बहुत गलत रहा, खास करके आज का एक्सपीरियंस उनके सामने, और कोई पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं लेकिन वो राजनीति में नहीं आना चाहते, तो क्या लगता है कि भविष्य क्या होगा युवाओं की अगर राजनीति के प्रति इंटरेस्ट कम होता है? आप इस तरह से बोल रहे हैं, मुझे खुद ही इतना अफसोस लग रहा है। बिल्कुल, अगर मैं भी उनके जगह पे रहती थी और यहाँ पे केवल किस तरह से सदन कंडक्ट किया जाता है उसको देखने के लिए आती थी और ये दशा में अगर देखती थी तो मुझे भी उतना ही बुरा लगता था और मैं भी इसको कभी अपना करियर बोल के नहीं चुनती। तो बिल्कुल बहुत ही बेशर्मी की बात है, ये सब चीज़ों को विपक्ष दल के नेताओं को सोचना चाहिए, एक एग्जाम्पल बनना चाहिए ताकि जो बाहर के जो लोग भी हैं, बाहर के बच्चे हैं, पॉलिटिक्स को भी अपना करियर समझ के चल सके, मान के चल सके। बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोग, पढ़े लिखे लोगों को, डिसिप्लिन्ड लोगों को इस तरह के फील्ड में आना, ये बहुत ज़रूरत है। स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल को लेकर के, उर्दू विद्यालयों को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बहुत एक पॉलिटिकल टर्न दिया जा रहा है इसको, क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाके देखिएगा तो जो वहाँ के जो लोग हैं, जिस जहाँ पे स्कूल को जो नाम बदलने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पे लोग जो हैं, चाहे वो आदिवासी लोग हो, मूलवासी लोग हो, आपके ईसाई लोग हो, उन सभी का कहना है कि जैसा था वैसे ही रहने दे नाम। तो जब लोग वहाँ के लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये पॉलिटिकल एंगल इसको क्यों बनाया जा रहा है? आज तक तो वैसे ही चला आ रहा था, कभी किसी को तकलीफ नहीं थी इस बात में। तो बीजेपी का हमेशा से हर एक स्टेट्स में, हर एक मामला में एक बड़ा इस्लामोफोबिया का प्रॉब्लम है, वो उसका पर्सनल इशू है, उनको ये ठीक करना चाहिए। तो ये थी नवनिर्वाचित विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि युवाओं को राजनीति के प्रति आकर्षित करने के लिए हमें अपने आचरण को पहले सुधारना होगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को, रांची।